आज से शुरू हुआ लोक आस्था का महापर्व छठ, इस बार दिल्ली के घाटों पर भी दिखेगी छठ की रौनक। द्वारकाधीश मंदिर कांकरोली में 2 नवंबर को होगी गोवर्धन पूजा, सूर्य ग्रहण के कारण बदली गई परंपरा। केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह की दीवारें हुई स्वर्ण मंडित, दीवारों को सोने की 550 परतों से दिया गया भव्य रूप। 80,000 वर्ग फीट का होगा उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर का मुख्य आंगन, 2023 में बनकर होगा तैयार। नमस्कार, सुर्खियों से परे कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रणजीत कुमार। सुर्खियों से परे कार्यक्रम में सबसे पहले बात छठ पूजा की। आज से लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा का शुभारंभ हो गया है, आज नहाय खाय है। इसी व्रत के क्रम में 30 अक्टूबर को सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाएगा सायंकाल में, तो वहीं 31 अक्टूबर को उगते हुए सूर्यदेव को अर्घ देकर इस व्रत का समापन किया जाएगा। इस बार दिल्ली की घाटों पर भी छठ पूजा की रौनक देखने को मिलेगी। पुष्टि मार्ग की तृतीय पीठ श्री द्वारकाधीश मंदिर कांकरोली के श्रीनाथ जी मंदिर में 2 नवंबर को गोवर्धन पूजा का आयोजन किया जाएगा। बता दें, सूर्य ग्रहण के कारण दिवाली के अगले दिन होने की बजाय 300 सालों से चली आ रही ये परंपरा अब 2 नवंबर को की जाएगी। गोवर्धन पूजा के दौरान प्रभु श्री द्वारकाधीश अपने निज मंदिर से सुखपाल में विराजित होकर मंदिर से बाहर गोवर्धन चौक पर पधारेंगे। वहीं मंदिर में गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाया जाएगा। इस मौके पर ठाकुर जी के समक्ष विधि विधान से मंदिर के मुख्य महाराज द्वारा उनकी पूजा की जाएगी। केदारनाथ धाम के गर्भगृह को स्वर्ण मंडित कर दिया गया है। सोने की 550 परतों से गर्भगृह की दीवारों और छत को एक नया रूप दिया गया है। बता दें, इन परतों को एक हफ्ते पहले नई दिल्ली से कड़ी सुरक्षा के बीच गौरीकुंड पहुंचाया गया था। वहीं एएसआई के 2 अधिकारियों की देखरेख में आखिरी चरण का काम पूरा कर लिया गया है। महाकाल की नगरी में श्रद्धालुओं को एक और सौगात मिलने जा रही है। महाकालेश्वर के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को अब मंदिर के मुख्य आंगन यानी ओंकारेश्वर परिसर में ज्यादा जगह और सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इसके लिए परिसर के पूर्व और दक्षिण दिशा में निर्माण को हटाकर चौड़ीकरण किया जाएगा। मध्य प्रदेश के ललितपुर सिंगरौली में रेल परियोजना पर कार्य तेजी से चल रहा है। रेल परियोजना पूरा होने के बाद सीधी और रीवा के बीच ट्रेनों को 4 सुरंगों से गुजरना होगा। ताज़ा बर्फबारी के बाद शिंकुला और रोहतांग पर्यटन स्थल पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। बर्फ के दीदार के लिए यहां पर्यटकों का मेला लग गया है। हर रोज सैकड़ों पर्यटक यहां दस्तक दे रहे हैं। वहीं बता दें, पर्यटक मनाली लेह मार्ग के बारालाचा दर्रे पर सड़क के किनारे पड़ी बर्फ का आनंद ले रहे हैं। बीआरओ ने सभी सड़कों से बर्फ हटाकर उनको बहाल रखा है। 15 नवंबर के बाद यहां पर्यटकों की संख्या में और इजाफा होने की उम्मीद जताई जा रही है। सुर्खियों से परे कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज के इतिहास के साथ। नमस्कार।